भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज ठाणे पहुंचे। आज ठाणे में पूर्व विधायक कांति भाई कोली के श्राद्ध दिवस पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ठाणे पहुंचे। इसके बाद वो कोली समाज हॉल चंदानी कोलीवाड़ा में कार्यक्रम के लिए ठाणे के सरकारी विश्राम गृह से रवाना हुए। उसके बाद ठाणे से मलाज की तरफ रामनाथ कोविंद निकल गए। उनके काफिले के वक्त भारी बंदोबस्त सड़कों पर देखने को मिला, लेकिन इस काफिले के वक्त किसी भी आम नागरिकों की गाड़ी को रोकी नहीं गई। देखिए, मैं इस वक्त ठाणे के शासकीय विश्राम गृह के यहाँ पर हूँ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज ठाणे का दौरा किया, और ठाणे का दौरा करने का प्रमुख कारण ये था कि जो पूर्व आमदार थे कांताबाई कोली, उनका आज बरसी का दिवस था, आज उनकी श्रद्धा का दिवस था। तो आज उसी के चलते एक ठाणे के बेडिकर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया था। उसी कार्यक्रम में आकर रामनाथ कोविंद ने शोभा बढ़ाई और यहाँ पर आकर उन्होंने पुष्पचरण हार किया। लेकिन इस वक्त किसी भी मीडियाकर्मी को उस कॉलेज में अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि देख सकते आप जो कि अनुमति किसी को भी नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी जो काफिराना था वो उनका निकला गया, सड़कों पर निकाला गया उनका काफिराना। लेकिन उसके बाद से जो पुलिस बंदोबस्त थी वो लगातार बढ़ा गई थी। लेकिन वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी गई थी, जिस तरीके से किसी आम आदमी के लिए वो काफिराना निकलता है वैसे निकली गई थी। किसी भी तरह के किसी को भी रोक छेक नहीं की गई थी, किसी की गाड़ी नहीं ज़्यादा देर तक रुका गई थी, हमें ये एक देखने को मिला। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ठाणे में पहली बार इतना बड़ा शख्स जो कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए थे, लेकिन आने वाले कुछ समय में प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। फिलहाल मैं विशाल जायसवाल, मेट्रो मुंबई न्यूज़ के लिए।